मॉडर्न मोतियाबिंद सर्जरी को मोतियाबिंद ठीक करने के साथ साथ चश्मा हटाने की सर्जरी भी माना जाता है, जिससे पेशेंट की बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं। इन दिनों मोतियाबिंद सर्जरी करवाने वाले मरीज ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, साथ ही ज़्यादातर समय बाहर और कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर बिताते हैं। कई लोगों के लिए थोड़ा डिस्टेंस विजन ठीक होना काफ़ी नहीं है। इस सर्जरी का मकसद ऐसे लोगों को चश्मे से पूरी तरह छुटकारा दिलाना है। प्रीमियम आईओएल की मदद से मोतियाबिंद सर्जरी के बाद बेहतर दृष्टि और चश्मे से छुटकारे की उम्मीद की जा सकती है। हेलो एवरीवन, मैं आईमंता हॉस्पिटल से डॉक्टर श्वेता जैन हूँ और आज इस वीडियो में मैं आप सभी को लेंस चुनने के बारे में गाइड करने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं कि आईओएल या इंट्राओकुलर लेंस क्या है। मोतियाबिंद की सर्जरी में हम आँख के नेचुरल लेंस को आर्टिफिशियल लेंस से बदल देते हैं। इंट्राओकुलर लेंस यानी आईओएल नेचुरल लेंस की तरह काम करता है और आँखों में जाने वाली रोशनी को रेटिना पे फोकस करता है ताकि एक साफ इमेज दिखाई दे। एक स्टैंडर्ड आईओएल वो है जो मोनोफोकल है। इसका मतलब है कि यह सिर्फ एक दूरी पर विजन में सुधार करता है, लेकिन ज़्यादातर मरीजों को पास और बीच की दृष्टि में सुधार के लिए और कभी कभी दूर दृष्टि के लिए भी चश्मे पर निर्भर रहने की जरूरत पड़ती है। एक स्टैंडर्ड आईओएल के मुकाबले एक प्रीमियम आईओएल के कई फायदे हैं, जैसे ये दूर और पास दोनों दृष्टि को सही करता है। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद प्रीमियम आईओएल बेहतर दृष्टि देता है क्योंकि इसका एस्फेरिक आकार होता है। ये किसी व्यक्ति के नेचुरल लेंस की ऑप्टिकल क्वालिटी से ज़्यादा नज़दीकी से मेल खाते हैं और इस तरह हमें बेहतर विजन क्वालिटी देते हैं। आसान शब्दों में यह लेंस से होने वाली लाइट स्कैटरिंग को ठीक करते हैं। प्रीमियम आईओएल की स्क्वायर शेप बेहतर लेंस स्टेबिलिटी देता है और झिल्ली या मोतियाबिंद के बाद की समस्याओं और कॉम्प्लिकेशंस को रोकता है। साथ ही लेंस की हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी झिल्ली बनाने से रोकने में मदद करती है। इसके साथ ही यह आपको कई दूसरी सुविधाएं और गुण भी देते हैं जो आपकी आंखों के लिए फायदेमंद है, जैसे एंटी ग्लेयर, एक्सटेंडेड फोकसिंग, एचडी विजन, एंटी पीसीओ रिंग और ब्लू लाइट फिल्टर। ज़्यादातर मरीजों को प्रीमियम आईओएल के इलाज के बाद चश्मा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए अब वीडियो के सबसे जरूरी भाग पर चलते हैं, जिसमें हम आपको प्रीमियम आईओएल के अलग अलग प्रकारों के बारे में बताएंगे। बायफोकल को आमतौर पर मल्टीफोकल आईओएल कहा जाता है। ट्रेडिशनल मोनोफोकल आईओएल के मामले में कुछ मरीज संतुष्ट नहीं होते क्योंकि इनमें सिर्फ दूर की दृष्टि होती है, पास की नहीं। मल्टीफोकल आईओएल पास और दूर दोनों दृष्टि से चश्मे से छुटकारा दिलाता है। कुछ मरीजों को बीच की दृष्टि की भी जरूरत हो सकती है, खासतौर पर उन लोगों को जो लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करते हैं या होम कुक्स और शेफ। ऐसे पेशेंट्स को हम ट्राईफोकल आईओएल सजेस्ट करते हैं, जिसमें दूर, बीच और नज़दीक तीनों विजन होती है। इंडियन मल्टीफोकल्स में आई डिफ एंड ट्राईफोकल्स में ट्राई डिफ फ्रॉम केयर ग्रुप काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। इनका सर्जरी पैकेज 35,000 से 45,000 तक रहता है। इम्पोर्टेड ट्राईफोकल में पैन ऑप्टिक्स काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। इसकी पैकेज कॉस्ट रफली 85,000 पड़ती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर अच्छी चीज़ में कुछ कमियां भी होती हैं, ठीक इसी तरह इन लेंसेज के कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं। आइए इसे समझते हैं। मल्टीफोकल आईओएल कैसे काम करते हैं। इनमें 50 से 70 के आसपास कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती हैं। इनमें से आधी रिंग्स पास और बाकी आधी दूर के लिए फोकस करती हैं। इसलिए जब प्रकाश की किरणें लेंस पर पड़ती हैं तो 80% आँख में रिफ्लेक्ट होकर रेटिना पे फोकस हो जाती है, लेकिन लगभग 20% इन रिंग जंक्शन पे पड़ती है, जिसकी वजह से वो बिखर जाती है, जिससे हैलोस यानी सफ़ेद लाइट में रंग बिरंगे छल्ले दिखना और ग्लेयर यानी चौंध पड़ने की समस्या हो सकती है। मल्टीफोकल इम्प्लांट के साथ 15 में से सिर्फ एक को इन सभी कमियों का एहसास होता है और अक्सर दिमाग कुछ महीनों में इनके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। मल्टीफोकल्स के साथ दूसरी समस्या अच्छे कंट्रास्ट का नुकसान है। ये डिसएडवांटेज भी बहुत कम लोगों को महसूस होती है। तो मल्टीफोकल और ट्राईफोकल दोनों ही न्यू नॉर्मल है, जिन्हें सभी तरह के पेशेंट्स जैसे युवा या बुजुर्ग और ज़्यादा एक्टिव और रिटायर्ड लोगों में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वह मरीज क्या करे जो रात को अक्सर गाड़ी चलाते हैं या ऐसा काम करते हैं जिसमें हाई प्रिसिजन ऑफ फोकसिंग की जरूरत है। थोड़ा सा चौंध, हैलोज या कंट्रास्ट का नुकसान उनके काम पर भारी पड़ सकता है और उनके जीवन को मुश्किल बना सकता है। तो यह सवाल हमें आईओएल की अगली कैटेगरी पे ले जाता है, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस आईओएल, जैसे कि केयर ग्रुप का मैग्निफिशेंट, जॉनसन एंड जॉनसन का आई हैंड्स एंड सबसे एडवांस्ड अल्कॉन विविटी। आपको बेहतरीन दूरदृष्टि के साथ साथ अच्छे इंटरमीडिएट एंड नियर विजन देते हैं। इनकी बेहतरीन विजन क्वालिटी एंड लैक ऑफ एब्रेशन एक एक्सटेंडेड डिस्टेंस के लिए फोकसिंग करते हैं। यह मरीज को दूर से बीच तक सभी दूरी पर साफ तौर पर देखने में मदद करता है, जिसमें कोई फीकापन, हैलोज और ग्लेयर नहीं होते। इन लेंसों के साथ विजन क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। बस बारीक काम जैसे सुई में धागा डालना या न्यूज़पेपर पढ़ने जैसे काम के लिए आपको मामूली से नंबर की जरूरत पड़ सकती है।
साथ में अगर किसी मरीज को आंख में रेटिनल प्रॉब्लम या ग्लोकोमा प्रॉब्लम है तो ऐसे में मल्टीफोकल लेंस बिल्कुल नहीं यूज़ किए जा सकते, बट ऐसे में ईडॉफ लेंसेज बहुत अच्छे रहते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर पैकेज कॉस्ट की बात करें तो मैग्निफिशेंट लेंस के साथ सर्जिकल पैकेज 40,000 का, आई हैंड्स के साथ 45,000 का और विविटी लेंस के साथ 1,00,000 तक का पैकेज पड़ता है। लास्ट बात करेंगे टोरिक आईओएल की। टोरिक लेंस मोतियाबिंद सर्जरी के समय मरीज की कॉर्नियल एस्टिगमैटिज्म या सिलेंड्रिकल पावर को ठीक करने में मदद करता है और दूर की नज़र को साफ करता है। इन लेंसों की कीमत 35,000 से 45,000 तक पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपके पास कुछ भी सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें या हमारे हेल्पलाइन नंबर 9711116605 पर कॉल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।